नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। उम्मीद करता हूं कि आपका जो ये करेंट अफेयर्स है अच्छा लगता होगा। अगर आपको कोई कमी नज़र आती है तो अपना फीडबैक, आपका वैल्यूएबल फीडबैक जो अमूल्य है मेरे लिए, उसको देना मत भूलिए। कुछ भी ऐसा सजेशन हो जो आप दे सकते हो, बस ये मत करना कि सर वीडियो की लेंथ बढ़ा दो या वीडियो को कम कर दो, बिकॉज ये पूरी तरह से डिपेंड करता है नंबर ऑफ न्यूज़ के ऊपर। अगर न्यूज़ ज़्यादा है, मुझे लगता है कि वो एग्जाम में पूछे जाने लायक है, तो मैं उन्हें आपको बता देता हूँ। देखिए, करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर में यही फ़र्क होता है कि न्यूज़पेपर में आपको सारी न्यूज़ मिलती है, करंट अफेयर्स में आपको सिर्फ वो न्यूज़ पढ़नी होती है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी चीज़ की चर्चा हो रही है, कोई घटना घट गई है, या किसी का अपॉइंटमेंट हो गया है, कोई नई बुक आ गई है, तो ये सारी चीज़ें। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपके सामने है कि अभी हाल ही में अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है, और पूरे विश्व में अब केवल दो देश ऐसे रह गए हैं जहां पोलियो का निशान है, यानी कि अभी भी पोलियो वायरस सक्रिय है। भारत कब पोलियो फ्री हुआ था, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन जरा देखते हैं कि आखिरी देश कौन सा था जो अफ्रीका में पोलियो फ्री हुआ। आप सभी को पता होगा कि पोलियो क्या है। पोलियो एक्चुअल में एक संक्रामक बीमारी है जो कि पोलियो के विषाणु द्वारा होती है। हाल फिलहाल विश्व स्वास्थ्य संगठन सर्टिफिकेट देता है किसी भी देश को कि वहां पर पोलियो मुक्त हुआ या नहीं हुआ। जैसे अभी हाल ही में मालदीव और श्रीलंका को दिया था कि वहां पे मीजल्स और रूबेला, यानी कि खसरा और रूबेला जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि अफ्रीका के अंतिम देश नाइजीरिया के पोलियो मुक्त होने के बाद 25 अगस्त 2020 को पूरा अफ्रीका महाद्वीप वाइल्ड पोलियो मुक्त हो गया है, जंगली पोलियो मुक्त हो गया है। इसका मतलब यह है कि वहां पे काफी समय से पोलियो के केसेस नहीं देखे जा रहे हैं। अफ्रीका का पोलियो वायरस मुक्त घोषित किए जाने के बाद अब केवल दो देश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही ऐसे बचे हैं जहां पोलियो वायरस सक्रिय है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पोलियो वायरस में जो वैक्सीन है, पोलियो वायरस की वैक्सीन जो है, वो कई लोग ऐसा मानते हैं कि वो इस्लाम धर्म के विरुद्ध है। इस वजह से जो पोलियो के कार्यकर्ता हैं वहाँ पाकिस्तान में, उनके साथ मारपीट भी हुई कई बार, तो ऐसी घटनाएं रहीं जिसकी वजह से जो पोलियो का हटाने का जो अभियान था वो पूरी तरह से नहीं चल पाया। भारत को 2014 में ही पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था, जब पिछले आठ सालों के दौरान दो ही नए मामले सामने आए थे, तो ऐसा पाया गया कि भारत 2014 में ही WHO सर्टिफिकेट दे दिया था कि भारत में पोलियो नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें नाइजीरिया की, तो नाइजीरिया आपका दक्षिण अफ्रीका का एक देश है और इसकी राजधानी एबुजा है। वर्तमान समय में जो मुद्रा चलती है उसे नाइजीरियाई नाइरा कहा जाता है, और मुहम्मदु बुहारी वर्तमान समय में यहाँ पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। वायरस से जुड़ी हुई, मतलब बीमारियों से जुड़ी हुई एक न्यूज़ जो इस तरह से मुक्त होने वाली न्यूज़ थी, वो अभी हाल ही में चर्चा में थी कि मालदीव और श्रीलंका को मीजल्स और रूबेला फ्री घोषित कर दिया गया है, और वो 2023 में ऐसा माना जा रहा था कि मुक्त होंगे, इन दोनों बीमारियों से मुक्त होंगे, लेकिन उससे पहले ही वो मुक्त हो गए हैं। आगे चलते हैं। हाँ, एक और पोलियो की दो वैक्सीन आती हैं, एक आता है इनएक्टिवेटेड किल्ड पोलियो वैक्सीन, यानी कि इसमें पोलियो वायरस जो होता है उसको मार के इंजेक्ट किया जाता है। इसका आविष्कार, ये पहली वैक्सीन थी जो डेवलप की गई थी, इसका आविष्कार जोनास साल्क ने किया था, और फिर इसके बाद ओपीवी भी आई और ओपीवी को भी डेवलप किया गया। तो 1955 में पहली बार पोलियो का टीका जोनास साल्क ने बनाया था। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में परिसीमन आयोग, यानी कि डेलिमिटेशन कमीशन के एक नए कार्यालय की उद्घाटन किया गया, और ये नई दिल्ली में बनाया गया है। तो परिसीमन आयोग के एक नए कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया, और इसकी अध्यक्ष कौन है? फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई। डेलिमिटेशन क्या होता है? डेलिमिटेशन होता है, आप सभी को पता है कि जनसंख्या के मुताबिक आपकी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटों का बंटवारा होता है। तो एक बार फिर से रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग क्या होता है, समय समय पर गठित किए जाते हैं। तो इस बार फिर से परिसीमन आयोग गठित किया गया है, और इस बार इसकी अध्यक्षता है आपकी भूतपूर्व सुप्रीम कोर्ट की जज रही रंजना प्रकाश देसाई जी। वो गठित करेंगी, वो एक कैलकुलेशन करेंगी कि वाकई में कहां कहां पर चेंजमेंट किया जाना चाहिए, और किस तरीके से अब नई जनसंख्या के मुताबिक लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा की सीटों का बंटवारा होना चाहिए। तो इस कार्यालय के खुलने से एसोसिएट सदस्यों के साथ औपचारिक विचार विमर्श शुरू हो जाएगा, काम करने की जगह उन्हें मिल गई तो आराम से वो काम कर पाएंगी। तो परिसीमन आयोग 2020 से काम कर रहा है, मार्च 2020 से परिसीमन आयोग, यानी डेलिमिटेशन कमीशन, या भारत सरकार द्वारा परिसीमन आयोग अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्थापित एक आयोग है,
आयोग का मुख्य कार्य हाल की जनगणना के आधार पर विभिन्न विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से परिभाषित करना है। इसका मुख्यालय अब नई दिल्ली में स्थित है। थोड़ा सा और जानकारी देता हूं आपको परिसीमन आयोग के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में अभी हाल ही में परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। और इस ये जो परिसीमन आयोग का गठन है वो बेसिकली जम्मू कश्मीर राज्य, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार किया जाएगा। और इसके अलावा परिसीमन जो है ये 2031 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। शेष भारत के लिए पिछला परिसीमन 2001 की जनसंख्या के आधार पर किया गया था। और परिसीमन आयोग का गठन परिसीमन अधिनियम 2002 की धारा 3 के तहत किया गया है। अब तक अधिनियम के तहत 4 परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। एक परिसीमन आयोग 1952 में आया था, फिर 1963 में आया था, फिर 1973 में आया था, और फिर 2002 में आया था। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और यहाँ पर मणिपुर को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो रंजना प्रकाश देसाई जो है ये सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश हैं। 13 सितंबर 2011 को वो इस पद पर नियुक्त हुई थी, फिर उसके बाद रिटायर हो गई। तो हाल फिलहाल रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में गठित हुआ है परिसीमन आयोग या डेलिमिटेशन कमीशन। और इसका कार्यालय कहाँ बनाया गया है? नई दिल्ली में। एक 9 वर्षीय छात्र हैं जिन्होंने, 9वीं कक्षा के छात्र हैं, माफी चाहूंगा 9वर्षीय नहीं, 9वीं कक्षा के छात्र हैं, जो बलदीप निंग थौजॉम ने कोरोबोई नाम का एक मोबाइल गेम विकसित किया था, जो अभी कुछ समय पहले तक एंड्रॉयड प्ले स्टोर जो है आपका गूगल प्ले स्टोर, उसमें एंड्रॉयड गेम के कैटेगरी में दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा था। तो 9 वर्षीय बालक, 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक ने ये गेम डेवलप किया, जो पूरे भारत में काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड किया गया, पूरे विदेशों में भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। और इसको डेवलप करने वाले कौन है? वो है मणिपुर के बलदीप निंग थौजॉम। खेल कुछ दिन में पहले ही गूगल प्ले स्टोर में लॉन्च किया गया था और सबसे लोकप्रिय सर्च और डाउनलोड गेम में से एक बन गया है। इस गेम में एक ऐसे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है जो लॉकडाउन की वजह से फंस गया है और अपने घर वापस जाना चाहता है और उसको रास्ता खोजना पड़ता है। तो इंटरेक्टिव गेम बनाया गया है। नाम है गेम का कोरोबोई। कोरोबोई किसने बनाया है? कोरोबोई बनाया है बलदीप निंग थौजॉम ने। कहाँ के रहने वाले हैं? मणिपुर के रहने वाले। अगर मणिपुर के रहने वाले हैं तो मणिपुर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। सबसे पहले, अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने मणिपुर का एक अभियान था जिसका नाम था खुडोल। खुडोल का मतलब होता है मणिपुरी में गिफ्ट। उनको टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव यानी कि वैश्विक रूप पर कोविड-19 के लिए या कोविड-19 से लड़ने के लिए जितने भी अभियान हुए उनमें से सर्वश्रेष्ठ 10 अभियानों में इसको शामिल किया गया था। मतलब इसका स्थान 10वां था। खोंगजोम डे, खोंगजोम जो डे है ये आपका मणिपुर से संबंधित है। और मणिपुर 1891 यानी 1891 में मणिपुर और एंग्लो मणिपुर वॉर जो हुआ था 23 अप्रैल 1891 को, उसकी वजह से हर साल 23 अप्रैल को खोंगजोम डे मनाया जाता है। इसके अलावा गोवा पहला स्टेट है जिसने आपको अपने आप को कोविड-19 फ्री बताया, जबकि मणिपुर दूसरा स्टेट रहा, यानी मणिपुर दूसरा राज्य रहा जो कोविड-19 से फ्री हुआ, यानी पूरी तरह से मुक्त हुआ। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने अभी हाल ही में इंडिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज मणिपुर में बनाया है। पियर ब्रिज यानी कि सबसे लंबा पियर ब्रिज है ये, मकरू रिवर पर बनाया गया है, तामेंगलोंग जिले में मकरू नदी पर बना भारत का सबसे लंबा पियर ब्रिज। पियर मतलब का जोड़े वाला ब्रिज है, मतलब इसको डायरेक्टली जोड़ा गया है मकरू रिवर पर। मणिपुर का आंगन फॉ होम्बा एक प्रोग्राम है जो अरापति मलाई लेकाई इन इम्फाल ईस्ट में लॉन्च किया गया है, और इसके जरिए जो बच्चे हैं उनको मिड डे मील प्रोवाइड किया जा रहा था। सेंटर ने अभी हाल ही में डेलिमिटेशन कमीशन बनाया है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि जम्मू कश्मीर, आसाम, मणिपुर, अरुणाचल और इन राज्यों में वापस से डेलिमिटेशन किया जाएगा, वापस से परिसीमन किया जाएगा। और ये किसके द्वारा हेड किया जा रहा है, किसके द्वारा अध्यक्ष कौन है इसकी? रंजना प्रकाश देसाई जी। मणिपुर सरकार ने अभी हाल ही में फूड बैंक नाम की एक योजना लॉन्च की थी जिसके जरिए पुअर और नीडी पीपुल यानी कि जो गरीब और नीडी पीपुल हैं उनको हेल्प किया जा सके। थीम थी हेल्प एंड हंगर टुडे, यानी कि भूख को समाप्त करने के लिए आज मदद करें। लिस्प्रिया कंगजुम जिन्हें भारत की ग्रेटा थनबर्ग भी कहा जाता है, उनको अभी हाल ही में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बाल शांति पुरस्कार दिया गया था और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार भी दिया गया, भारत शांति पुरस्कार भी उन्हें दिया गया। लिस्प्रिया कंगजुम का जो संबंध है वो आपका मणिपुर से है। लाई हरोबा फेस्टिवल का नाम आपने सुना होगा, सिरिव लिली फेस्टिवल जो होंगे ये मणिपुर के फेमस फेस्टिवल हैं जो काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। चीफ मिनिस्टर वर्तमान समय में एन बीरेन सिंह है, बीजेपी से बिलोंग करते हैं, कैपिटल इम्फाल है, गवर्नर नजमा हेपतुल्ला है और स्टेट एनिमल है संगई, स्टेट बर्ड ह्यूम्स फीजेंट, इसे तीतर भी आप कह सकते हो, और स्टेट फ्लावर है लिली,
लिली का फूल जो है वो स्टेट फ्लावर है, स्टेट ट्री है, फोएबी हनी जिसे आप बॉन्सम कह सकते हैं। बॉन्सम एक पहाड़ों पर उगने वाला पेड़ है, तो बॉन्सम का जो पेड़ है वो यहाँ का स्टेट ट्री है। तो हाल फिलहाल ये रही मणिपुर की पिछले 6 महीने की करंट अफेयर। अगली जानकारी है, भारत सरकार ने NLC यानी कि नेशनल लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, लिग्नाइट समझते हैं ना कोयले की एक प्रजाति होती, कोयले का एक फॉर्म है, तो उसकी खनन करने वाली नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया, नेवेली आपका तमिलनाडु में स्थित है, उसको अभी हाल ही में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अत्यंत मूल्यवान योगदान देने के लिए पुरस्कार दिया गया है। नेवेली अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में स्थित एक कोयले की खान है जिसे लिग्नाइट कोयला निकाला जाता है। ये भारत में उपस्थित सबसे बड़ी लिग्नाइट कोयले की खान है नेवेली में। इसको अभी हाल ही में प्लास्टिक मुक्त, स्वच्छ और हरे भरे परिसर में बदलने के लिए स्वच्छता सेवा 2019 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। स्वच्छता सेवा कार्यक्रम की बात करें तो ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिसंबर 2019 में शुरू किया गया था ताकि लोग आगे आएं और स्वच्छता का महत्व तो समझें। और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत यानी SBM के अंतर्गत ये एक पहल है। NLCIL ने इस कार्यक्रम को 2 चरणों में लागू किया था, यानी कि अपने आपको पूरी तरह से डेवलप, आप सोचो कि कोयला वहां से निकाला जा रहा है फिर भी वो स्वच्छता सेवा का पुरस्कार जीत रहे हैं, तो बहुत अच्छा प्रयास रहा। पहला चरण 11 सितंबर 2019 से 2 नवंबर 2019 और दूसरा चरण 3 अक्टूबर से 27 अक्टूबर। तो हमें इतना ही नहीं याद रखना है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि NLC क्या है, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। नेवेली में स्थित यानी नेवेली तमिलनाडु में स्थित एक खान है जिसे लिग्नाइट कोयला निकाला जाता है, उसको अभी हाल ही में स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत है। सबसे बड़ी बात है उसमें जो रैंक मिली है, टाउनशिप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में उसको फर्स्ट रैंक मिली है, थर्मल पावर स्टेशन में भी उसको सेकेंड रैंक मिली है और माइंस सब स्टोर्स के रूप में उसे थर्ड रैंक प्राप्त हुई है। तो इस तरीके से उसको अलग अलग रैंकिंग प्राप्त हुई है। इसके जो CMD है यानी कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर है वर्तमान समय में राकेश कुमार है। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें तो NLC इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी है, यह लिग्नाइट का खनन करती है। लिग्नाइट कोयले की सबसे बड़ी खदान है और तमिलनाडु में स्थित है। इसका मुख्यालय चेन्नई में है और तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ खास जानकारी और आपके लिए याद करने लायक है। अगली जानकारी पर चलते हैं। टाटा समूह एक तरह का सुपर ऐप लाने जा रहा है। सुपर ऐप क्या होता है? सुपर ऐप मतलब आप ऐसा समझ लो जैसे कि आप किसी मॉल में जाते हो, कपड़े खरीदने खरीद लिए, मोबाइल खरीदना मोबाइल खरीद लिया, मूवी देखनी मूवी देख लिया, रेस्टोरेंट में जाना रेस्टोरेंट में चले गए, गेम स्पोर्ट्स करना है तो वो भी कर लिया। तो एक तरह से सुपर ऐप क्या होगा कि शुरू में ये मैसेजिंग ऐप होते हैं लेकिन धीरे 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 इसमें सारी सुविधाएं मिलने लगती हैं, चाहे आपको टैक्सी बुलानी हो, चाहे रेस्टोरेंट करना हो, चाहे जोमैटो करना हो, व्हाटएवर। तो इस तरह का ये ऐप डेवलप होने वाला है। इस तरीके का एक ऐप WeChat जो चाइना द्वारा विकसित किया गया था, ये उसी का भारतीय रूप होगा। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि अगले साल तक ये लॉन्च हो जाएगा। कौन लॉन्च करेगा? टाटा समूह लॉन्च करेगा। तो टाटा समूह द्वारा अगले वर्ष की शुरुआत तक एक सुपर ऐप लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। इस सुपर ऐप को टाटा समूह की नव स्थापित इकाई टाटा डिजिटल द्वारा विकसित किए जाने का अनुमान है। सुपर ऐप किसी कंपनी द्वारा विकसित एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से वह ग्राहकों को एक ही स्थान पर कई प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। अगली जानकारी, ये जो आप देख रहे हैं ये है भाई फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर। शकुंतला देवी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इन्होंने। शकुंतला देवी के ऊपर अभी फिल्म भी आई है, विद्या बालन ने डेवलप की है वो फिल्म, मतलब उसमें अभिनीत विद्या बालन द्वारा अभिनीत वो फिल्म है। अभिनीत का मतलब एक्ट्रेस है वहां पर। तो हैदराबाद के नीलकंठ भानु प्रकाश, कौन? नीलकंठ भानु प्रकाश कहां के हैं? हैदराबाद के। क्यों बातचीत हो रही है? क्योंकि इन्होंने माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है और इस तरीके से उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिए हैं। उन्होंने शकुंतला देवी और स्कॉट फ्लेंसबर्ग जैसे दिग्गज गणितज्ञ के रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया ऑल टाइम रिकॉर्ड कायम किया है। भानु प्रकाश ने 167 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि एक बड़ी सी कैलकुलेशन दी जाती है, उसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर से जल्दी ये लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। किस तरीके से करते हैं? डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है। भानु प्रकाश के शब्दों की बात करें तो कहा जाता है कि वैसे कैलकुलेटर के जमाने में और कंप्यूटर के जमाने में आपको इतनी तेज कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इवन मैं तो मेरी भी कैलकुलेशन बेकार हो गई एकदम, मेरी बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। तो कहते हैं कि यूसेन बोल्ट है जो बहुत कम समय में 100 मीटर की दूरी दौड़ता, अब उससे क्या तेज कारें नहीं दौड़ सकती, तो इतना तेज भागने की क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी ये दिखाता है कि आप अपने शरीर को कितने अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हो, किसी भी सीमा तक जा सकते हो। तो फिलहाल हैदराबाद के आपके नीलकंठ भानु प्रकाश जी बन गए हैं विश्व के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर।
20 साल के हैं और नीलकंठ भानुप्रकाश दिल्ली इस विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज में गणित के छात्र हैं और उन्होंने दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर होने के लिए 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड और 50 लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। अगली जानकारी है, सरकारी थिंक टैंक यानी कि नीति आयोग के अनुसार जो भी कोस्टल एरियाज हैं, जो भी आयात या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाले पोर्ट हैं, उनमें अगर देखा जाए तो गुजरात सबसे बढ़िया रहा। वो निर्यात तत्परता सूचकांक में सबसे नंबर वन पर आया है क्योंकि वहां पर जो फैसिलिटीज हुई, जिस तरीके से वो अपना प्रबंधन कर रहा है, वो सबसे बढ़िया। तो सरकारी थिंक टैंक की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात ने नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेटेंस इंडेक्स में 2020 में टॉप किया है और दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः महाराष्ट्र और तमिलनाडु आया। पहले स्थान पर गुजरात, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर तमिलनाडु। कौन सा इंडेक्स है? इंडेक्स है निर्यात तत्परता सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेटेंस इंडेक्स। लॉकडाउन वाले राज्यों की बात करें, जिन जगह पर लॉकडाउन रहा वहां से एक्सपोर्ट की बात की जाए तो राजस्थान ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, उसके बाद तेलंगाना और हरियाणा का स्थान यहां पर रहा है। हिमालय राज्यों की बात करें, जहां पर हिमालय है वहां पर उत्तराखंड चार्ट में सबसे ऊपर है, इसके बाद त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है और इसके बाद गोवा और चंडीगढ़ का स्थान है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि टॉप पर कौन है, गुजरात टॉप पर है। उसके बाद वाला याद रखना चाहते हैं तो भाई महाराष्ट्र और तमिलनाडु भी याद कर लीजिए। डीआरडीओ के चीफ जी सतीश रेड्डी जी का जो कार्यकाल है वो 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी जिन्हें अभी हाल ही में मिसाइल सिस्टम अवार्ड से नवाजा गया था, उनका जो कार्यकाल है वो 2 साल एक्सटेंड कर दिया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने डीआरडीओ अध्यक्ष के रूप में रेड्डी के कार्यकाल में विस्तार को 24 अगस्त को मंजूरी दे दी है। उन्हें अगस्त 2018 में 2 वर्षों के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया था। इसके अलावा वो 26 अगस्त के बाद 2 वर्षों के लिए डीआरडीओ के सचिव भी रहेंगे। तो डीआरडीओ के कार्यकाल से याद आ रहा है कि अभी हाल ही में हमारे अटॉर्नी जनरल जो हैं के वेणुगोपाल जी हैं, उनका भी जो कार्यकाल था वो 1 ईयर एक्सटेंड किया गया था और ये न्यूज जो है वो 13 जून की है। डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च के सेक्टर में देश की अग्रणी कंपनी है, सबसे ज्यादा रिसर्च यहीं से आती है। और जिस तरीके से अभी हमारे राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बोल दिया कि 101 जो सामान है सेना के लिए वो सब घर पे ही बनाने हैं, यानी कि आत्मनिर्भर के हिसाब से हमें यहीं पर डेवलप करने होंगे। तो फिर से डीआरडीओ का काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसे में एक अनुभवी आदमी की जरूरत थी, इसी वजह से इनका कार्यकाल बढ़ाया गया। वैसे डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। उत्तरदायी मंत्री यानी वर्तमान समय में जो मंत्री हैं वो राजनाथ सिंह हैं, इसकी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये। और आपको पता ही चलेगा कि अध्यक्ष कौन है डीआरडीओ के, अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी वर्तमान समय में है। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, बलस्य मूलम विज्ञानम, ये इसका मोटो है। डीआरडीओ का मोटो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। अगली जानकारी पे चलते हैं। अगली जानकारी तमिलनाडु से है। तो वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा को एक आंकड़े जारी किए और इसके मुताबिक मुद्रा लोन के अंतर्गत महिलाओं को लाभ देने के मामले में तमिलनाडु राज्य जो है वो पहले नंबर पर आया है। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा को दी गई हालिया डेटा के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू होने के बाद से महिलाओं को 4.78 लाख करोड़ रुपए के 15 करोड़ से अधिक ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। राज्यों में 58,227 करोड़ रुपए के ऋण के साथ महिला लाभार्थियों की सूची में तमिलनाडु पहले स्थान पर है, इसके बाद पश्चिम बंगाल में और फिर उसके बाद कर्नाटक का स्थान है। तो आज हमने 2 इंडेक्स पढ़ लिए। एक इंडेक्स ये है कि तमिलनाडु में नीति आयोग के डेटा के अनुसार सबसे ज्यादा लाभ महिलाओं को देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत कौन सा राज्य है, तो तमिलनाडु है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें तो मुद्रा का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, लिखा ही हुआ है तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। और 8 अप्रैल 2015 को इस योजना की शुरुआत छोटे और मझेले उद्योगों को कुछ फंड प्रोवाइड करने के लिए, उनको छोटे छोटे लोन देने की वजह से इसको शुरू किया गया था, ताकि देश में कारोबार को बढ़ाया जा सके, देश में उद्योग धंधों को बढ़ाया जा सके। इसमें 3 कैटेगरी में लोन बांटे गए थे, एक शिशु, एक किशोर, एक तरुण। शिशु के अंतर्गत अगर हम बात करें तो 50,000 तक के लोन बांटे गए, 50,000 से अधिक और 5 लाख तक जो लोन थे वो किशोर के अंतर्गत बांटे गए थे और तरुण जो है वो 5 लाख से 10 लाख तक बांटे गए थे। याद रखिएगा 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत नई दिल्ली से की गई थी। अगली जानकारी की तरफ चले तो अगली जानकारी है भाई, आरबीआई जो है अभी उसने मार्केट को संभालने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी कि मुक्त बाजार प्रक्रिया का पालन करने की बात की है।
जिसमें वो 20,000 करोड़ रुपए के दो ट्रांच करेंगे, यानी कि दो बार, यानी 10,000 करोड़ और 10,000 करोड़ के जो सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं, जो ट्रेजरी बॉन्ड होते हैं, उनको बेचने की बात करेंगे। क्या होगा, कैसे होगा, थोड़ा सा बता देता हूं आपको। ओपन मार्केट ऑपरेशन एकदम सिंपल भाषा में बता देता हूं। देखिए, अगर आम आदमी के पास पैसा आता है तो वो क्या करता है, मेरे पास पैसा आएगा, मैं खरीदारी करूंगा और मेरे पास ज्यादा पैसा आ जाएगा तो मैं वो भी खरीदारी करूंगा जिसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। जैसे लेट सपोज अभी मुझे मोबाइल की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाए तो मैं एक अच्छा सा मोबाइल लूंगा, ठीक है, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। इससे क्या होगा कि मोबाइल की जो डिमांड है, अगर मार्केट में पैसा है, लोगों के पास पैसा आएगा तो मार्केट में मोबाइल की डिमांड बढ़ेगी, मोबाइल की डिमांड बढ़ेगी तो मोबाइल की कीमतें और ऊपर जाएंगी। इसी तरीके से जब आरबीआई को लगता है कि नहीं, इस टाइम जो महंगाई है वो अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है, थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, थोड़ा सा पैसा और मार्केट में आना चाहिए, मतलब कि चीजों को और लेके जाना चाहिए, या डिमांड बहुत कम हो गई है, लोग चीजें खरीद नहीं रहे हैं। तो जैसे आपने देखा कि लॉकडाउन के दौरान सबके पैसे खत्म हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, जिनकी सैलरी नहीं है, जिनका बहुत सारा पैसा नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपना सब कुछ हाथ सिकोड़ के बैठे हुए हैं, वो कोई शॉपिंग वगैरह नहीं कर रहे। तो ऐसे में आरबीआई को क्या लग रहा है कि अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है, क्योंकि उद्योग धंधे बंद हो सकते हैं, जब डिमांड नहीं रहेगा तो लोग सप्लाई क्यों करेंगे। तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई करता है पैसे देता है बैंकों को, बैंकों के पास पैसे आते हैं तो वो सस्ते लोन उपलब्ध कराते हैं, सस्ते लोन उपलब्ध कराते हैं तो लोगों के हाथ में पैसा आता है, लोगों के हाथ में पैसा आता है तो डिमांड बढ़ने लगती है, इस तरीके से मार्केट चालू हो जाती है। तो अब मार्केट में पैसा डाला कैसे जाए, मार्केट में पैसा डालने की ही प्रक्रिया एक तरह की है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें क्या होता है कि सभी बैंक, जितने भी छोटे छोटे बैंक हैं, मतलब SBI, ये सब जो बैंक हैं, इनके पास गवर्नमेंट ट्रेजरीज होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, जो इन्होंने अपने पास इकट्ठी कर रखी होती हैं। और आरबीआई जब इनसे सिक्योरिटीज खरीदेगा, तो जाहिर सी बात है नॉर्मल बैंकों के पास पैसा आएगा तो वो उसको घुमाएंगे। सिंपल समझ में आ गया, यानी कि मार्केट में अगर पैसा डालना है तो आरबीआई क्या करेगा, सिक्योरिटीज को खरीदेगा कि बेचेगा, खरीदेगा तो पैसा किसके पास जाएगा, बैंक के पास जाएगा, लोअर जो आपके नेशनलाइज बैंक है उनके पास पैसा जाएगा, तो आम आदमी के पास पैसा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट में ज्यादा पैसा है, लोगों से खींच लेना चाहिए, अभी मार्केट को थोड़ा डाउन करना चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो उन लोगों से कहेगा कि मेरी अब मैं ये सिक्योरिटी दे रहा हूं, आप अपने पास रखो, आप कम से कम इतनी सिक्योरिटी रखो, आपके पास जो पैसा है वो सिक्योरिटीज के फॉर्म में मुझे दे दो। तब वो क्या करेगा, आपके पास जो सिक्योरिटीज है वो उन्हें सेल करना शुरू कर देगा। तो सेल करने पर मार्केट में पैसा कम हो जाता है, बाई करने पर, जब आरबीआई बाई करता है तो मार्केट में पैसा पड़ता है, क्योंकि आरबीआई बाई करेगा तो अपने से पैसा किसको देगा, नेशनलाइज बैंकों को। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो इस तरह का ये ओपन मार्केट ऑपरेशन करने जा रहे हैं, और ये वो तभी करते हैं जब उन्हें वाकई में जरूरत होती है मार्केट में पैसा डालने की या पैसा निकालने की। बैलेंस बनाने के लिए वो दोनों काम करते हैं, अपने हिसाब से मार्केट में कितना पैसा रखना है, थोड़ा डालेंगे फिर उसके बाद निकाल लेंगे, तो उनको बैलेंस हो जाता है। तो ये दोनों काम करने वाले हैं, 27 अगस्त को आयोजित करेंगे। इसके जरिए 2024 से लेके 2032 के बीच की जो भी सिक्योरिटीज हैं, 2024 से लेके 2032 के बीच में ये परिपक्व होंगी, तो इनको क्या करेगा, वो खरीदेगा, इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या करेगा, खरीदेगा। तो पैसा किसके पास जाएगा, बैंकों के पास जाएगा, यानी पहले वो पैसा मार्केट में आने वाला है, और फिर वही केंद्रीय बैंक अक्टूबर और नवंबर में परिपक्व हो रही प्रतिभूतियों की बिक्री भी करेगा, यानी कि वो उसके बाद बिक्री भी करेगा। तो एक तरीके से खरीदेगा बेचेगा तो थोड़ा सा बैलेंस होगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन होने वाला है 20,000 का, कब से कब तक ही सिक्योरिटीज बिकने वाली हैं, 10,000 करके दो ऑपरेशन होंगे यहां पर, 27 अगस्त को आयोजित होगा, 2024 से साल 2032 के बीच होने वाली होगी, और फिर अक्टूबर और नवंबर के बीच में परिपक्व हो प्रतिभूतियों का बिक्री करेगा। आरबीआई ने कहा है कि 3 सितंबर 2020 को दूसरे चरण के ओमे को ऑपरेशन किया जाएगा और इसके लिए अलग से घोषणा की जाएगी। आरबीआई के हेड कौन है, आरबीआई के हेड वर्तमान समय में शक्तिकांत दास है, जो आपके अभी उनको एशिया पैसिफिक बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज अकेला ऐसा एक्सचेंज है जहां पर आप बिजली के लिए स्टॉक एक्सचेंजिंग कर सकते हैं। इसके एमडी और सीईओ थे राजीव श्रीवास्तव, जिन्होंने अभी हाल ही में रिजाइन कर दिया है। तो भारतीय ऊर्जा विनिमय के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव श्रीवास्तव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय ऊर्जा विनिमय बोर्ड के निदेशक मंडल ने उनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। वह 24 अगस्त 2020 से तत्काल प्रभाव से अपने पद से हट गए। आईएक्स बोर्ड के वर्तमान और गैरकारी अध्यक्ष सत्यनारायण गोयल अब आईईएक्स के एमडी और सीईओ के तौर पर काम कर रहे हैं। अगली जानकारी है, फॉर्मर कांगो प्रेसिडेंट पास्कल लिसोबा का अभी हाल ही में निधन हो गया।
कांगो गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसोबा का निधन हुआ। 1960 में कांगो को स्वतंत्र देश बनने के बाद कृषि मंत्री बने थे। उन्होंने 1992 से 1997 के राष्ट्रपति के रूप में काम किया। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि पास्कल लिसोबा, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो वो कांगो के राष्ट्रपति थे। कांगो की बात करें तो कांगो भी अफ्रीका का एक देश है। इसकी राजधानी किनशासा है। वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं फेलिक्स तशिसेकेदी। और महाद्वीप अफ्रीका, मुद्रा चलती है कांगो फ्रैंक। अब बारी है आज के वन लाइनर की। किस राज्य में मुद्रा ऋण योजना के तहत महिला लाभार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा रही? तमिलनाडु में। और हाल ही में मणिपुर के नौवीं कक्षा के छात्र बलदीप निंग थौजोंग ने कौन सा मोबाइल ऐप गेम ऐप बनाया है? तो कोरोबोई। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए कितने अमेरिकन डॉलर का ऋण प्रदान करने वाला है? तो 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का AIIB ऋण देने वाला है। हाल ही में परसीमन आयोग के नए कार्यकालय भवन का उद्घाटन कहां किया गया? तो ये नई दिल्ली में। किसके अध्यक्षता में इसको गठित किया गया? रंजना प्रकाश देसाई की। अफ्रीका के पोलियो वायरस से मुक्त किए जाने के बाद अब कितने देश हैं जहां पे पोलियो वायरस सक्रिय है? तो वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वर्तमान अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल में कितने साल का विस्तार दिया गया है? 2 साल का। और भारत सरकार ने नवरत्न NLC इंडिया लिमिटेड को स्वच्छ ही सेवा पुरस्कार दिया। टाटा समूह द्वारा अगले वर्ष की शुरुआत में एक सुपर ऐप विकसित करने की योजना बनाई गई है। सरकारी थिंक टैंक की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने नीति आयोग के एक्सपर्ट प्रेपरेंस इंडेक्स में टॉप किया है? तो वह है गुजरात। और किसने माइंड स्पोर्ट ओलंपियाड के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिला दिया है? तो हैदराबाद के नीलखंड भानु प्रकाश। RBI मुक्त बाजार OMO यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए कितने करोड़ रुपए की खरीद बिक्री करने वाला है? तो 20,000 करोड़ रुपए की खरीद और बिक्री होने वाली है। अब बारी है आज की क्विज की। हाल ही में मणिपुर के नौवीं कक्षा के छात्र बलदीप निंग थौजोंग, नाम याद है, निंग थौजोंग ने कौन सा एक मोबाइल गेम ऐप बनाया था? कोरोबोई। हाल ही में परसीमन आयोग के नए कार्यालय के भवन का उद्घाटन कहां किया गया है? न्यू दिल्ली, यानी कि अब परसीमन आयोग का जो मुख्यालय होगा नई दिल्ली में होगा। और किस राज्य में मुद्रा ऋण योजना के तहत महिला लाभार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा रही? तो वह है तमिलनाडु। और अफ्रीका के पोलियो वायरस से मुक्त घोषित किए जाने के बाद केवल कितने देश ऐसे होंगे जहां पे पोलियो वायरस सक्रिय है? तो अब 2 देश ऐसे होंगे जहां पोलियो वायरस सक्रिय है, एक अफगानिस्तान और एक पाकिस्तान। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने वर्ष का विस्तार दिया गया है? तो 2 साल का उनको कार्यकाल का विस्तार दिया गया है। भारत सरकार ने अभी हाल ही में स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार किसको प्रदान किया है? NLCIL यानी कि नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। टाटा समूह द्वारा अगले वर्ष की शुरुआत तक एक ऐप लाने की घोषणा की गई है। उसका ऐप का नाम तो अभी हाल फिलहाल नहीं है, लेकिन उसको सुपर ऐप बुलाया जा रहा है। सुपर ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है और टाटा डिजिटल इसको लॉन्च करेगा। सरकारी थिंक टैंक यानी कि नीति आयोग जिसका गठन योजना आयोग की जगह हुआ था 1 जनवरी 2015 को, वर्तमान समय में उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। ये राजीव कुमार वो नहीं है जिनको अभी हाल ही में चुनाव आयुक्त तो बनाया गया है अशोक लवासा की जगह, ये दूसरे वाले राजीव कुमार है। तो 2020 में टॉप किया है। किसने किया है प्रेपरेंस इंडेक्स में? तो गुजरात ने भाई इसमें टॉप किया है। और किसने अभी माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो वो है नीलकंठ भानु प्रकाश। कहां के रहने वाले? हैदराबाद के रहने वाले हैं। RBI मुक्त बाजार परिचालन के जरिए कुल कितने करोड़ रुपए का ओपन मार्केट ऑपरेशन करने वाला है? तो 20,000 करोड़ रुपए का ओपन मार्केट ऑपरेशन होने वाला है। ओपन मार्केट ऑपरेशन आपको समझ में आ गया? मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की, होप आपको आया होगा। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आए ही होंगे। और अगर आ गए हैं तो लाइक करना मत भूलिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।